तो युवराज स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े इस मौके पर। क्या तैयारियां हैं इस बार टीम इंडिया की कि ये ट्रॉफी जो है भारत लौट कर आए? तैयारी तो अभी लड़के का खेल रहे न्यूजीलैंड में, तो काफ़ी क्रिकेट है और बस मेरी तैयारी यही है कि मेरे को भी जो भी डोमेस्टिक मैचेस मेरे को यहाँ खेलने को मिलेंगे मैं वो खेल रहा हूँ। युवराज, बात की जाए T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, लगातार 2007 के बाद हमारे हाथ से ये चैंपियनशिप हम उसके आसपास भी नहीं पहुंचे, क्या वजह थी आपको लगता है कि हम उसके आसपास नहीं पहुंच पाए और कौन सी ऐसी चीज होगी जिस पर हमें थोड़ा खास ध्यान देना होगा जिससे कि हमारी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो? क्योंकि हम दावेदार हैं लेकिन दावेदारी और खिताब को हाथ में लाने में जो फर्क होता है, जो फासला होता है, उसको कैसे पूरा किया जाए? जी सही कहा आपने, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 जो वर्ल्ड कप रहे उनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि हम इतनी क्रिकेट खेलते हैं, 50 ओवर्स टेस्ट मैचेस T20 सब में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना मुश्किल होता है और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें गेम कभी भी चेंज हो जाता है और एक बार ही अगर आप नीचे लग गए ऑपरचुनिटी के वापस होने का मौका नहीं मिलता बिकॉज 20 ओवर होते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है। किसी भी टीम ने कंसिस्टेंटली इसको टूर्नामेंट को नहीं जीता। पिछला टूर्नामेंट हमारा अच्छा था, हमने 6 में से 5 मैच जीते और अनफॉर्चुनेटली 100 पे होकर नहीं आता। जी युवराज, हम देख सकते हैं कि आप के चेहरे पर थोड़ी सी थकान दिखाई दे रही है, इंटरव्यूज की वजह से कि लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से? कुछ भी कह लीजिए जी, थकान भी है, मेहनत भी है और ट्रैवल भी है। युवराज, बात की जाए इस टीम इंडिया की, हमने देखा है कि 2014 जब से शुरू हुआ है हम जीत नहीं पाए अभी तक एक भी मैच और लगातार एक जो हर किसी का ये मानना है कि टीम में सीनियर खिलाड़ी की वापसी होनी चाहिए, तो आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि टीम में आपका खुद का युवराज का इनफॉर्म युवराज का वापस आना या जहीर खान का, किसी सीनियर खिलाड़ी को यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है टीम इंडिया में? जी देखिए, उम्मीद तो यही करते हैं, काफ़ी मेहनत की है और दौरा थोड़ा ऊपर नीचे रहा है लेकिन उम्मीद करते हैं, सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं, उम्मीद करते हैं कि हम जो भी मैचेस, मैं अपने बिहार पे बोल सकता हूँ कि जो भी मैचेस आगे खेलने को मिले उसमें अच्छा प्रदर्शन करें और जैसे कि मैंने बोला अगर मौका मिलता है तो पूरे दिलो जान से कोशिश करेंगे वापस आके इंडिया के लिए खेलने की। जी बिल्कुल बिल्कुल युवराज, और युवराज अगर इस टीम की बात करें, लगातार हम 2014 में हार रहे हैं, इस मैचेस को आप बहुत क्लोजली आप फॉलो भी कर रहे होंगे, तो ऐसी कौन सा एरिया है जिसको आपको लगता है कि टीम इंडिया को T20 से पहले टाइट करना है, इसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है? इतना फॉलो नहीं किया मैंने क्योंकि मैं अपने डोमेस्टिक मैच में जुड़ा हुआ था, जितना भी मैंने सुना है आई थिंक लड़कों ने बैटिंग अच्छी की है, थोड़ा बॉलिंग पे थोड़ा ध्यान देने वाला है और आई एम श्योर के हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि आगे जाके अपनी गलतियां को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यही उम्मीद करेंगे कि इंडियन टीम आगे जाके अच्छा करे। और धोनी के लिए भी एक कमबैक सीरीज की तरह भी देखी जा सकती है क्योंकि कप्तानी यहां से शुरू की थी 2007 में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप से एक स्टार कप्तान बनकर उभरा, आज कप्तानी पर भी वो है, तो धोनी के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कमबैक एक कप्तान के तौर पर कर सकते हैं, वो भी मतलब एक जो सवाल है उनका जवाब इस चैंपियनशिप को जीत कर दे सकते हैं। नहीं देखिए, MS धोनी ने कंसिस्टेंटली कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखिए तो उनके अंडर चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2011 2007 जीते, तो ये किसी भी कैप्टन के लिए की बहुत बड़ी बात है और कंसिस्टेंट और अच्छे कैप्टन रहे हैं और नो डाउट कि वो आगे भी अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते युवराज कि उस टीम के स्टार युवराज सिंह भी थे और आपका बहुत बड़ा योगदान भी था, 2011 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आप रहे हैं, तो आज इन बड़े बड़े नामों की कमी टीम इंडिया को खल रही है, युवराज की कमी कितनी खल रही है हमें साफ देख रही है और हम सब यही चाहते हैं कि युवराज जल्दी से टीम में लौट के भी आए। फेवरेट की बात की जाए, ट्रॉफी आपके साथ रखी हुई है युवराज T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, इस ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार बांग्लादेश में आप कौन सी, टॉप 3 की अगर बात करें तो कौन सी होगी आपके लिहाज से? मेरे ख्याल से सब कॉन्टिनेंट्स की पिचेस को इतना देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये टीमें अच्छा कर सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत डेंजरस साइड है T20 में और वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जो अनप्रडिक्टेबल है, तो आई थिंक
सब कॉन्टिनेंट के अलावा मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ भी भारी पड़ सकते हैं। और युवराज, अगर बात की जाए पाकिस्तान के साथ मुकाबले को, अभी भी आप उतनी ही अहमियत देते हैं जैसा कि हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि भारत पाकिस्तान, तो इस मुकाबले को आप किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, भारत पाकिस्तान के मैच बहुत मनोरंजक होते हैं, बहुत प्रेशर भी रहता है। तो मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो मोहाली में हुआ था, बहुत प्रेशर वाला मैच था। तो हम श्योर अगर वो दोबारा अपॉर्चुनिटी आई तो बहुत मज़ा आएगा। जी युवराज, कुछ एक्स्ट्रा दबाव तो नहीं होगा क्योंकि आप इस वक्त 2011 वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, मौजूदा 50 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो ये हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं, अगर हम न्यूजीलैंड से भी हार रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि देखिए वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, तो ये वर्ल्ड चैंपियन होने का जो दबाव है, क्या ये T20 में भी दिख सकता है टीम पर? जी बिल्कुल, दबाव तो हमेशा रहता है, चाहे आप घर पे खेलें चाहे आप इंडिया के बाहर खेलें। ना गेम इज अबाउट प्रेशर, और ना दूसरी, सब लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरी टीम भी खेलने आई है, तो दूसरी टीम भी अच्छा कर सकती है। लेकिन जैसे आपने बोला वर्ल्ड चैंपियंस है, जब ऑस्ट्रेलिया थे उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा किया आगे आने वाले सालों में, तो अगर हम भी कंसिस्टेंटली अच्छा करेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं आगे जाने की। जी युवराज, अगर बात की जाए टीम इंडिया की, आप प्रोबेबल्स में हैं और आपकी ज़रूरत टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा है, और हमें एक इनफॉर्म युवराज सिंह चाहिए ही चाहिए। हमें मालूम है आपकी काबिलियत, और आप जब दुनिया के तमाम बेहतरीन खिलाड़ी कल पिक किए जाएंगे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो युवराज सिंह उनमें से एक नाम होगा। तो इनफॉर्म लौटने के लिए युवराज सिंह ने क्या प्रिपरेशन की है, क्या एक वो वाला ताबड़तोड़ युवराज हमें दिखे, उसके लिए युवराज की खास तैयारी क्या है? तैयारी जी, जैसे मैंने बोला कि डोमेस्टिक मैचेस काफ़ी खेल रहा हूँ, अभी रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, अभी कॉपरेट ट्रॉफी आने वाली है, उसके बाद वनडे रणजी ट्रॉफी है, तो उम्मीद करता हूँ कि इन मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करूँ, वो कॉन्फिडेंस लूँ, और अगर मौका मिलता है तो आगे इंडिया के लिए खेलने जाऊँ। उसी पिछले दो साल में फॉर्म अच्छी नहीं रही है, ये मुझे भी मालूम है, और मुझे कोई यहाँ पर बैठ के एक्सक्यूज़ नहीं देने, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरी खामियाँ हैं उन्हें डोमेस्टिक मैच में सुधारूँ, अच्छा प्रदर्शन करूँ, और उम्मीद करूँ कि वापस आके इंडिया के लिए खेलूँ। युवराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे जो ट्रॉफी आपके साथ रखी हुई है वर्ल्ड कप 2011 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक बार फिर इस ट्रॉफी को चूमता हुआ दिखाई दे 2020 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे जीतेगा टीम इंडिया, इस बारे में युवराज ने जो बातें की हैं, उम्मीद है इन पर गौर टीम इंडिया फरमाएगी और टीम इंडिया जीत कर लौटेगी। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।